दोस्तों, आज का वीडियो कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल वीडियो नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही महान कोच बॉब की टेक्निक है। आपको 3-स्टेप टेक्निक बताने वाली हूँ, लाइफ की किसी भी समस्या से उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी ना लाइफ में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा होता है, जहाँ देखो प्रॉब्लम से ही खुद को घिरा हुआ पाते हैं, कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता और कोई होप ही नहीं नजर आता कि इस सिचुएशन से आखिर बाहर कैसे निकले। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो 8 मिनट रुक जाइए और ध्यान से सुनिए इस बात को। दोस्तों, अगर आसपास प्रॉब्लम्स हैं तो सल्यूशन हमारे भीतर ही हैं। लाइफ की किसी भी समस्या, चाहे हेल्थ रिलेशनशिप, एनी सिचुएशन, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। दोस्तों, ये टेक्निक नहीं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत ही महान कोच, टीचर, मेंटर बॉब प्रॉक्टर की टेक्निक है। और उनका मानना यह है कि जब पहली बार उन्होंने ये टेक्निक अपनी किसी फ्रेंड को बताई और इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखे, उसके बाद से इन्होंने इस 3-स्टेप टेक्निक को अपने हर एक सेमिनार का एक हिस्सा बना लिया। इसके रिजल्ट्स ही इतने चौंकाने वाले थे। दोस्तों, इस टेक्निक के रिजल्ट्स ही 100% है, ये आपको 100% अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी ही निकालेगी, यही मानना है डॉक्टर का। दोस्तों, आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली उन 3-स्टेप टेक्निक को जान सकते हैं, पर उससे पहले मैं आपको ज़रूर ये बात बताना चाहूँगी कि आखिर हम क्यों सिमिलर सिचुएशन या प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में बार बार अट्रैक्ट करते हैं, क्यों इस लूप में फंसते रहते हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, जब भी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है तो हमारा सारा फोकस उस प्रॉब्लम के ऊपर चला जाता है, और जहाँ हमारा फोकस किया यानी जहाँ हमारे थॉट्स ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे एनर्जी बिल्डअप होने लग जाती है। और हम सब जानते हैं कि सृष्टि का सिद्धांत है, दिस इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, जो भी एनर्जी हम यूनिवर्स में सेंड करेंगे वो कई गुना बढ़कर मैग्नीफाई होकर हमारी लाइफ में वापस आएगी। या क्योंकि आपका सारा का सारा फोकस ही प्रॉब्लम के ऊपर था, तो एज ए रिजल्ट आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। पर घबराइए मत, ये 3-स्टेप टेक्निक 100% आपको इस लूप से बाहर निकलेगी। दोस्तों, आपका पूरा का पूरा नज़रिया, फोकस, वाइब्रेशन ही शिफ्ट कर देगी ये टेक्निक। दोस्तों, एक और बात, ये प्रोसेसर जो है ये वैन टाइम प्रोसेसर नहीं है, इससे आपको अपने जीवन में कुछ समय के लिए उतारना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट, इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर स्टार्ट कीजिए, आइट लिस्ट 11 दिन के लिए। जब आप धीरे धीरे 11 दिनों में खुद के अंदर वो चेंज महसूस करेंगे, आपका खुद ब खुद मन करेगा इस टेक्निक को और गहराई से अपने जीवन में उतारने का और इसको कुछ समय के लिए लगातार फॉलो करने का। चलिए अब शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं स्टेप्स की तरफ। सबसे पहला स्टेप, आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है उन 10 चीज़ों की जिनके लिए आप शुक्रगुजार है, जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ इस समय आप सिचुएशन प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, पर यकीन मानिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है तो बहुत कुछ अच्छा भी है, बस हमारा फोकस उस तरफ नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, आपके पास ये फ़ोन है, आज इंटरनेट कनेक्शन है, तभी तो आप इस वीडियो तक पहुंच पाए। अगर फ़ोन नहीं होता, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, तो आप ये पावरफुल सॉल्यूशन कैसे जान पाते। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे साथ दिन भर में कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, ध्यान से सोचिए, ये लिस्ट बनाइए और हर एक चीज़ के लिए यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की ओर। अब जब आपकी ये लिस्ट बनकर तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको 3 लोगों को प्यार भेजना है। अब वो 3 लोग कौन हैं दोस्तों, जिन लोगों के साथ आपकी थोड़ी अनबन रहती है, कभी अगर इनमें से आपको किसी ने हर्ट किया है या जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, आपको उन लोगों को चुनना है और उन लोगों को प्यार भेजना है। आप डिवाइन लव को अपनी लाइफ में इन्वाइट करेंगे। कैसे आप आह्वान करेंगे, कुछ इस तरह मैं आह्वान करता हूँ दिव्य प्रेम, दिव्य शांति का अपने जीवन में, और आप खुद को महसूस करेंगे कि आप इस प्यार से, भगवान के डिवाइन लव से कनेक्ट हो चुके हैं। अब उन 3 लोगों को एक एक करके अपने सामने लाए और आप कहेंगे, अपनी हाथ को आप नमस्ते मुद्रा में रख सकते हैं या यूं ब्लेसिंग पोजीशन में रख कर कह सकते हैं, आई सेंट लव इन ब्लेसिंग टू यू, आई सेंट लव एंड ब्लेसिंग टू यू। आपके जीवन में दिव्य प्रेम और शांति भर जाए, आपका जीवन बहुत खुशहाल हो जाए, आप बहुत सुखी हैं, आप बहुत खुश हैं, आई सेंड यू लॉट्स ऑफ लव, आपकी लाइफ में सब अच्छा हो। दोस्तों, यूं ही दिल से 5 मिनट लगाकर अपने सारे के सारे अच्छे जज्बात, अच्छे थॉट्स उनकी तरफ भेजिए। आप इसके लिए हो उपोनापोनो टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं, IENM सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आप इन 3 में से किसी भी टेक्निक का जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं, जो आपको इनिशियली यूज़ करने में आसान लगती है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों,
अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी स्टेप की ओर। तीसरा स्टेप है 5 मिनट शांति से बैठकर यूनिवर्स से गाइडेंस मांगना। अगर आपको नहीं पता कि हम 5 मिनट साइलेंस में आखिर बैठे कैसे, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका बताती हूँ। दोस्तों, आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और सबसे पहले 10 गहरी लंबे सांसें लें। ये सांसें भरने के बाद आप सारा का सारा फोकस जो है अपनी ब्रीथ पर ले आएंगे। सांस बाहर जाते हुए और सांस अंदर भरते हुए पूरा का पूरा अनुभव करेंगे, अनुभूति करेंगे। अब आप आंखें बंद भी रख सकते हैं या आंख खुली रखकर भी ये प्रक्रिया कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। दोस्तों, इस समय जब आपका फोकस आपकी ब्रीथ पे होगा, आप अनुभव करेंगे कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। अब आपका काम, जानते हैं क्या है, उन थॉट्स को बस देखना है। जज नहीं कीजिएगा, अच्छे बुरे का लेबल मत लगाइएगा। बस जैसे हम एक ट्रेंड को देखते हैं, ना आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, वैसे ही अपने थॉट्स को देखिएगा कि थॉट आया, आराम से बैठिए, कुछ समय में वो चला भी जाएगा। इस बीच आपको क्या करना है, जैसे ही आपका फोकस आपके थॉट पर जाने लगे, वापस से धीरे से उसको लेकर आइए और दोबारा से वो फोकस अपनी सांसों पर केंद्रित कर दीजिए। 5 मिनट ये प्रक्रिया करने के बाद आप पाएंगे कि आपके जो थॉट प्रोसेसर है, आपके जो थॉट्स की गति है, वो स्लो डाउन हो गई है। अब यही वो पावरफुल समय है जब आप अपने फोकस को नेगेटिव से पॉजिटिव में इसीलिए शिफ्ट कर पाएंगे क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत स्लो डाउन हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, आप यूनिवर्स से गाइडेंस के लिए प्रे करेंगे। ये आप अपने शब्दों में जैसे चाहे वैसे कह सकते हैं। आप कहेंगे, डियर यूनिवर्स, आप मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए कि आज के दिन मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसे किस तरीके से कर सकता हूँ। दोस्तों, अब आपको अटैच नहीं होना। अटैच किस चीज़ से, आउटकम से, कि एकदम से कोई मैजिक होगा, आपको छपी छपाई एक टू डू लिस्ट मिल जाएगी और जीवन ऐसे बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन रुकिए रुकिए, ठहरिए, मैजिक होगा ज़रूर, लेकिन धीरे धीरे आपको कोई टूर लिस्ट नहीं मिलेंगे। आपको धीरे धीरे सिंक्रोनिसिटीज दिखने लगेंगी, वो साइंस मिलने लगेंगे। खुद ब खुद आप ऐसे लोगों से मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपकी लाइफ को बदलने में एक अहम हिस्सा निभाएंगे। ऐसे छोटे छोटे साइंस को जब आप पकड़ के चलते रहेंगे, तो आपके जीवन में मैजिक की परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। दिस टेक्निक इज ट्रू एंड एडल्टरेटेड मैजिक। ये मैंने नहीं, खुद बॉब प्रॉक्टर ने कहा। जी हाँ, थिस इज ट्रू मैजिक। और जानते हैं मैजिक कैसे होगा, धीरे धीरे इसका फ्रीक्वेंसी यानी प्यार और खुशी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और यही अंत होगा आपकी प्रॉब्लम्स का और शुरुआत होगी आपकी मनचाही जिंदगी की। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज से ही इसे अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।